सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज़ निकिता. सो टुडे वी आर वेलकम यू ऑल इन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर्स. और आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, और वो भी किस किस CHS एग्जाम में एक्चुअली क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. तीन से चार क्वेश्चंस आते हैं जनरली. सो हम इसको पढ़ने वाले हैं और इसके तीन चार जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो सारे कराने वाले हैं. तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी कराएंगे आपको, ठीक है? आधे घंटे में थ्योरी कवर कराने वाले हैं, उसके बाद हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं. उन पे ही बेस्ड आपके एग्जाम में तीन से चार क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टडी करते हैं व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये क्लास 11th का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वैसे हमें किसी चीज़ की पोजीशन फाइंड करनी होती है तो हम बताते हैं, बट मैथमेटिक्स में किसी चीज़ की पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन, कोई चीज़ है उसकी पोजीशन बतानी है तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है? तो देखो, अगर मेरे पास क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किसी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे मेरे पास और क्या है, ये एक तरीके का, इसमें दो तरीके की एक्सिस होती हैं, कहने का मतलब दो लाइंस होती हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं. जैसे देखो, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो वैसे हम यहाँ पे टू डायमेंशनल में ही बात करने वाले हैं, 3D में बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो दो डायमेंशनल में कहने का मतलब मेरे पास दो चीज़ें होंगी, या तो लेफ्ट या फिर राइट, ऊपर या नीचे, ठीक है? तो मैंने दो लाइंस ड्रा करी, पहले वाले को इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस और दूसरे वाले को बोला वाई. कहने का मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल वन इज़ अ वाई एक्सिस, ओके? एंड बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज एंगल बिटवीन दीज लाइंस इज 90 degrees, ओके? चलो अब हम पढ़ने वाले हैं. अब ये जो दोनों लाइंस मिलके एक जो प्लेन फॉर्म करती हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके? जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है. अब क्या है, मुझे अगर इस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से इट इज़ पी एक्स कॉमा वाई, तो मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, तो मैं मैथमेटिकली इसकी पोजीशन कैसे फाइंड करूँगी? कहने का मतलब क्या होता है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने होते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे, और हमें पता चल जाता है कि उसकी डिस्टेंस क्या है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, पहले पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो ऐसे ही हमें पता चल रहा है जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ओरिजिन, ठीक है? इसको मैंने 0 0 से क्यों डिनोट किया, मैं आपको सब कुछ क्लियरली बताने वाली हूँ, बस ध्यान से सुनना, ठीक है? तो पहला क्या है, 0 0, यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से इट इज़ O, तो इसने अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं किया है, तो उसने कितना डिस्टेंस चला होगा, 0 0, है ना? कहने का मतलब 0. अब उसने एक्स एक्सिस पे चलना शुरू किया और इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है? ठीक है, इसने एक्स डिस्टेंस यहाँ से इतनी ट्रेवल करी, एक्स डिस्टेंस, और ये वाली इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कितनी ट्रेवल की है, वाई, ठीक है? तो ये वाली कितनी हो गई, वाई, और ये वाली क्या है, एक्स. तो इसकी अगर पोजीशन बतानी है तो मैं क्या बताऊँगी कि ये वाला जो पॉइंट है, आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स यूनिट तक चलिए और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई यूनिट तक चलिए, और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है? अब अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी हो इस ओरिजिन से, या फिर मुझे कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई प्लेन भी मैंने पढ़ लिया क्या होता है, जहाँ पे दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और पूरा इंटरसेक्ट, फिर ये जो पूरा प्लेन दिखाई देता है एक्स वाई प्लेन मिलके, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन, ओके? ठीक है, अब हम पढ़ने वाले क्या है कि अगर इसकी मुझे, देखो तो मैंने क्या बोला, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल एक्सिस इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जैसे उसने बोला कि पी एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पे एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि उसने ओरिजिन से कितना मोमेंट एक्स एक्सिस पर चला है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस, एंड वाई क्या हो जाएगा, उसने कितना वाई की तरफ मूव किया है, ठीक है? तो ये बता रहा है हमें. तो एक्स वाले को, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा, तो
एंड इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना पढ़ लिया मैंने। अब दूसरी चीज़ क्या बतानी है कि इन दोनों पॉइंट की, अगर मेरे पास कोई पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि एक ओरिजिन था मेरे पास और एक पॉइंट पी था, अब मेरे पास अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है कि कितने डिस्टेंस पे हैं दोनों, तो देखो कैसे निकलता है। जैसे मेरे पास क्या है, एक फिर से मैंने कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट पी है, लेट्स से पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन एंड वाई वन, और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है क्यू, इसके क्या है एक्स टू एंड वाई टू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो पी क्यू के बीच अगर डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम में ये सारे इन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ किसी चीज़ का, बट आपको जस्ट फॉर्मूले बता रही हूँ, ठीक है। तो पी क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू की डिस्टेंस क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू, मतलब दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट लो चाहे पहले वाले का लो, सब्ट्रैक्ट करना है पहले पहले वाले का, तो एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आता है। फिर क्या है दूसरा मेरे पास, अगर पी को उसने ज़ीरो मान लिया, कहने का मतलब पी पॉइंट जो है वो मेरा ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक है, तो मतलब इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट, ज़ीरो ज़ीरो है ना, ठीक है। अगर मुझे ओरिजिन से किसी की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, दैट इज़ अगर मुझे क्या निकालना है, ओ क्यू, ओके, तो ओ क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स टू, तो एक्स टू तो यहाँ पे एक्स टू है ना, एक्स वन की वैल्यू क्या है ज़ीरो एंड वाई वन की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वन एंड वाई वन विच इज़ ज़ीरो एंड ज़ीरो इन इक्वेशन वन विच इज़ पी क्यू, ओके। सो एक्स वन और वाई वन की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मेरे से ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस बोलता है, तो जस्ट उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लो, वो उसकी क्या होती है, डिस्टेंस, ठीक है। मैंने दो फॉर्मूले पढ़े, एक ये और एक ये, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या, सेक्शन फॉर्मूला, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेरे पास क्या हुआ, एक सेगमेंट दिया रहा होगा, ए और बी उन दोनों को ज्वाइन किया है, उस पे उसने कोई पॉइंट रख दिया होगा और उस पॉइंट के रेशियो उसने दे दिए होंगे, बोलेगा कि जो पॉइंट है बीच में उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ या फिर उसकी लोकेशन क्या है वो पूछेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर उसने कोई सेगमेंट दिया हुआ है और उस पॉइंट के मुझे उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तो पूछेगा कि वो जो पॉइंट उस सेगमेंट पे लाई करता है, तो उस लाइन को कैसे, मतलब एक तरीके से डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, ठीक है। तो इस पे दो क्वेश्चंस बनते हैं, इधर क्वेश्चन कैन बी आस्क टू यू फाइंड द रेशियो और सेकेंड चीज इज फाइंड द पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट, ओके। तो दो चीज़ें होंगी, तो पहला क्या है, इंटरनल डिवीजन। जैसे मेरे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक सेगमेंट दिया हुआ है, लेट्स से इट इज़ ए एंड बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन एंड वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू एंड वाई टू, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एंड और ये कैसे डिवाइड कर रहा है, लेट्स से इट इज़ एम वन एंड दिस इज़ एम टू, ठीक है, ये रेशियो दिए हुए हैं, तो मुझे बताना क्या है, ठीक है। तो इस अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताने, पहला मैं क्या पढ़ रही हूँ, इंटरनल डिवीजन, तो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, दैट इज एक्स एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, देखो एम वन एक्स टू, दैट इज पहले वाले का मुझे रेशियो लेना है और दूसरे वाले का पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, जिस रेशियो में है उसको ऐड कर दो। और सेकेंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, m1 y2 प्लस m2 y1, ओके, सो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये कैसा फॉर्मूला था, ये इंटरनल डिवीजन था, और दूसरे वाले में एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि प्लस की जगह हमें माइनस कर देना होता है, ठीक है। वो मुझे क्वेश्चन में बहुत क्लियरली से दिया रहा होगा कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है या इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो आपको बस फॉर्मूले याद करने हैं और वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो ऐसे होता है, मेरे पास एक कोई पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा, और जो पॉइंट पी होगा ना वो आउटसाइड लाई करेगा एक्स कॉमा वाई, इसकी वजह से ही मेरे पास क्या होता है, साइन जो होता है प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ठीक है। होप आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। फिर अब क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट प्लस की जगह माइनस करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, तो देखो क्या होता है, x कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
m1 x2 minus of m2 x1 divide by m1 minus m2, comma m1 y2 minus of m2 y1 divide by m1 minus m2. ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे भी, जस्ट थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं एक बार. दूसरा चीज़ क्या है, तीसरी चीज़, मैंने दो फॉर्मूले पढ़ लिए. सबसे पहले क्या पढ़ा कि डिस्टेंस निकालनी हो कि नहीं दो पॉइंट के बीच, इधर वो पॉइंट ओरिजिन हो सकता है या फिर कोई मेरा पॉइंट ओरिजिन के अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, दूसरा मैंने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा. तीसरा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल है, ऑब्वियसली बात है, मेरे पास तीन वर्टिसेस होंगे, है ना. तो लेट्स सी, इट इज़ ए बी एंड सी, ट्रायंगल इज ए बी सी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स पॉइंट्स ए बी एंड सी आर एक्स वन वाई वन एंड बी इज एक्स टू वाई टू एंड सी इज एक्स थ्री वाई थ्री. ठीक है, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है. कहने का मतलब इस ट्रायंगल ने कितना स्पेस कवर किया है मुझे ये बताना है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता मैं आपको बता रही हूँ. वैसे क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ठीक है, बट यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए रहे होंगे तो मुझे कैसे निकालना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, और ऑब्वियसली बात है एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. एरिया तो कभी नेगेटिव होगा नहीं. ठीक है, तो क्या होता है, हाफ इंटू मॉड लगा होता है. मॉड का मतलब क्या है, वो किसी भी चीज़ को हमेशा पॉजिटिव देगा. अगर मेरे पास कोई नंबर नेगेटिव में आ रहा है तो मॉड लगा है तो ऑब्वियसली बात है एरिया हमेशा माइनस प्लस में ही आएगा. ठीक है, तो जब भी, अब अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो एक बार जरूर चेक करना. ठीक है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखो एक्स वन, आफ्टर दैट सफिक्स मुझे देखना है क्या होगा. ठीक है, एक्स वन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई थ्री, दिस इज माइनस, ओके, वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू, सो वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू. ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का. सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, एक्स वन, फिर वाई टू वाले में क्या, एक्स वन के बाद टू थ्री, है ना, फिर एक्स टू, फिर टू थ्री वन टू. एक तरीके से साइकिल के फॉर्म में अगर लर्न करने का तरीका क्या है, ये एक साइकिल के फॉर्म में बिहेव करता है. ठीक है, सो एक्स वन, सो वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस, यहाँ पे क्या है, वाई वन और वाई टू के बीच में जो है माइनस का साइन आने वाला है, और जब मुझे टर्म्स को ज्वाइन करना है तो उसके बीच प्लस का साइन आएगा. ठीक है, लर्न करने का यही तरीका है. नाउ क्या कहते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स. ओके, जैसे मेरे पास देखो ये ट्राइंगल था, तो ऑब्वियसली बात है मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है. ये क्या है, ये तो बी और सी तो लाइन में है बट ए तो लाइन में नहीं है ना. तो कह रहे हैं अगर ऐसा कब होगा कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में स्टैंड करें. तो देखो, अगर मैंने तीनों पॉइंट्स ऐसे लिया, फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकंड इज बी एंड थर्ड इज सी. ओके, तो अगर ये लाइन में है तो इसके अंडर में मुझे अगर एरिया निकालना है तो बताओ कितना एरिया हो रहा है. ये देखने से ही मुझे पता चल रहा है इसके अंडर में तो कुछ एरिया है ही नहीं. ये सारे पॉइंट्स हैं ना एक तरीके से लाइन है, और लाइन क्या होती है, वो कभी भी कोई भी एरिया कंज्यूम नहीं करती है. ठीक है, अगर जरा सा भी कर्व के फॉर्म में है या लेट्स से कुछ भी है तो उसका तो हम एरिया निकाल लेंगे, बट लाइन का एरिया तो नहीं निकाल सकते, है ना. तो क्या हो जाएगा, अगर पूछ रहे हैं तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब उनका एरिया ज़ीरो हो जाएगा. तो क्या होगा, अगर मैंने इसको इक्वेशन वन माना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, तो क्या करोगे, जो ये इक्वेशन वन लिखी है पहले, इसको जस्ट इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. एक क्वेश्चन और इस पे बनता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दिए रहे होंगे उसमें जैसे यहाँ पे मुझे कोई डिजिट दी होंगी एक्स वन वाई वन ऐसे, बट इसमें क्या होगा, ये कोई वेरिएबल दिया रहा होगा किसी पॉइंट में से के कॉमा जीरो के कॉमा थ्री, तो पूछेगा ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू बताओ. तो आपको क्या करना होगा, जस्ट इसका एरिया इक्वल टू जीरो कर देना होगा और आपको इक्वेशन सॉल्व करो और के की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं. फिर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स. ओके, तो अभी मैंने पढ़ा कि मेरे पास अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है उस पर कोई भी पॉइंट स्टैंड करता है तो मुझे क्या उसके रेशियो बताने थे. ठीक है, ऐसे था कोई ए एंड बी, वो पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी मूव कर सकता था. ठीक है, तो मैंने अगर इसको पी लिया था तो ये रेशियो एम वन था और ये रेशियो एम टू था. बट मैं अब क्या कह रही हूँ, उस सेगमेंट का मुझे मिड पॉइंट बताना है. तो मिड पॉइंट बताना है, कहने का मतलब वो पॉइंट क्या होगा, बीच में एकदम लाई करेगा. कहने का मतलब ये पोर्शन हाफ हाफ होगा, है ना, ये भी हाफ होगा और ये भी हाफ होगा. और जब हम M1 और M2 करेंगे तो M1 और M2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाफ प्लस हाफ दैट इज़ वन. ओके,
तो ये पूरी बनाने वाली है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, डायरेक्ट आपको या तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करो तो बहुत लेंदी होगा। तो मिड पॉइंट निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, लेट्स से इट इज एक्स कॉमा वाई एंड दिस इज एक्स वन वाई वन एंड पोजिशन ऑफ पॉइंट बी इज एक्स टू एंड वाई टू। ठीक है, तो मुझे मिड पॉइंट अगर निकालना है, इसका भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स कॉमा वाई दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए गिवन सेगमेंट ए बी इज एक्स वन प्लस वाई वन, सॉरी एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, आपके क्वेश्चन में आएगा भी, ठीक है, तब करेंगे, इसको भी याद कर लेना आप। तीसरा क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेंट्रॉइड एक तरीके से आपने पढ़ा होगा, सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड पढ़ने के लिए मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मीडियंस क्या होते हैं। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो मीडियंस क्या होते हैं, जैसे देखो मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, तो सेंट्रॉइड पढ़ने के लिए मुझे मीडियन का पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, ठीक है। और मीडियन क्या होते हैं, मैं अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करूँ इस पे, कहने का मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स से मैं एक साइड पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ और वो लाइन इस वाली साइड को दो मतलब भागों में डिवाइड करती है, वो भी इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करती है, तो इसका ये क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी यही है कि ये ऑपोजिट वर्टेक्स से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये इसको क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे साइड साइड को। तो ऐसे कितने इसके होंगे, तीन मीडियंस होने वाले हैं मेरे पास। और जो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, लेट्स से इट इज डी ई एंड एफ, and the intersection of medians AD, BE and CF is called the centroid of the given triangle. So centroid को हम किस से डिनोट करते हैं, G से, okay? Centroid को हम G से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो centroid का जो formula G होता है उसके coordinates क्या होते हैं, let's say अगर मेरे पास A के coordinates हैं x1 and y1, B is x2 and y2 and C is x3 कॉमा वाई थ्री, ठीक है। अगर ऐसे है कुछ तो क्या बताना है कि मुझे सेंट्रॉइड के फॉर्मूले बताना है जस्ट। तो मैं पहले फॉर्मूला बता रही फिर आपको डेरिवेशन बताती हूँ, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्चुअली हम इस चैप्टर में सिर्फ कोऑर्डिनेट के बारे में ही, मतलब कहने का मतलब पोजीशन पे ही स्टडी करने वाले हैं कि किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या है, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम कोऑर्डिनेट ही बताने वाले हैं। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। कहने का मतलब सबके फर्स्ट फर्स्ट वाले को ऐड करो, डिवाइड बाई 3 कर दो, फिर लास्ट सेकेंड वाले को y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, ओके। अब देखो मैंने क्या बताया था, मीडियन क्या करता है, साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फिर से अगर मैं इसको वो वाला एज्यूम कर लूँ, सेक्शन फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दूँ, तो बी सी मेरे पास क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, डी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर से मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ ना बी सी पे। तो मैंने जब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करा तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले, मैंने पीछे पढ़ के आई हूँ कि पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाले दो कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइड बाय टू कॉमा पीछे वाले दो कोऑर्डिनेट को ऐड करो प्लस डिवाइड बाय टू, ओके। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं, एक्स थ्री प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू कॉमा वाई थ्री प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू। मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ओके। एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, 2:1। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई सेंट्रॉइड दिया हुआ है और मुझे कोई मीडियन दी हुई है, तो उसके अगर ये आपको दिया रहा होगा अगर 2:1, तो जी के अगर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, या फिर आपको ये नहीं दिए होंगे, जी के कोऑर्डिनेट बताने होंगे, ठीक है। इतना समझ आया, तो मैं बताने क्या वाली थी आपको, ये 2:1 में डिवाइड करता है। अब मेरे पास फिर से ये सेगमेंट वाला फॉर्मूला बन गया, सेक्शन फॉर्मूला, ए डी, मैंने डी के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, ए के भी कोऑर्डिनेट मुझे पता है, अब मुझे क्या करना है, जी निकालना है। अगर मैं आपको प्रूफ देना चाहूँ कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये आता कैसे है,
तो यहीं से आता है, वो क्या करता है मीडियन पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और M1 और M2 की वैल्यू क्या होती है 2 and 1। आप ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये सॉल्व करा और आपको G की सेम वैल्यू आई कि नहीं आई, ठीक है। आप ये ट्राई करना ज़रूर, ये एक तरीके का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है, ओके। तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे G दिया हुआ है, M1 और M2 की वैल्यू दी हुई है, A और D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको जस्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और G की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। जैसे अभी तक मैंने P नहीं इसे बोलता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P और द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P इफ द रेशियोज आर गिवन दिस एंड दिस, ओके। तो ऐसे निकालना है आपको। चलो सेंट्रॉइड भी पढ़ लिया मैंने, अब आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई होप कि मैंने सारी आपको चीज़ें पढ़ा दी हैं जो जो भी इस क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली हैं, और आपके CHS एग्ज़ाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, और देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो पहला क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ 0.3, 4 फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी पॉइंट ये हैं, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और ये एक्स कॉमा वाई अगर है, तो अगर इस पॉइंट की, अगर जनरल पॉइंट मैंने भी लिया है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पूछ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस 3, फ्रॉम वाई एक्सिस, ओके। तो इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस मुझे वाई एक्सिस से बतानी है, तो देखो वाई एक्सिस तो यहाँ पे लाई करता है, अब मैं वाई एक्सिस से मैंने चलना शुरू किया, इतना चला, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है और ये वाई डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तभी तो मुझे ये पॉइंट मिलता था पी एक्स कॉमा वाई। तो इसकी जो पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती थी वो कितनी होती थी एक्स, और एक्स एक्सिस से कितना उसने ट्रैवल किया है तो वो कितनी होती थी वाई, ओके। तो मुझे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, जितना उसने x एक्सिस पे चला होगा, है ना। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, x यूनिट। तो x तो मैंने यहाँ पे जनरल केस अभी लिया था, तो आंसर क्या आने वाला है x की जगह यानी पहला वाला कोऑर्डिनेट, तो क्या आने वाला है आंसर 3 units, ओके। तो ये हो जाएगा 3 units। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप बोलते कि ये वाला पॉइंट अच्छा आपने ले लिया पी एक्स कॉमा वाई, तो इस कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो जाता, आपने यहाँ पे तो लेके बताया नहीं हमें, और ना तो इस वाले में लेके बताया, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि इसमें देखो होता क्या है, जो मेरे पास एक्स और वाई प्लेन होता है ना, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ये किसी एक प्लेन को क्या कहते हैं, 4 parts में डिवाइड कर देते हैं, और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ओके। तो दिस वन इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज़ सेकंड, एंड दिस इज़ थर्ड, एंड लास्ट वन इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला था जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं 0 से पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में चलती हूँ, कहने का मतलब अगर मैं राइट साइड में ट्रैवल करती हूँ तो यह वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये वाली नेगेटिव। अगर मैं 0 के लेफ्ट साइड में चलती हूँ तो नेगेटिव, सिमिलरली अगर मैं वाई के ऊपर साइड में चलती हूँ तो पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया था आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके बोलती थी मैं, तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आपको दिखा रहा होगा अगर कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी मेरे पास कोई भी है वो P पॉइंट पे खड़ा हुआ है, लेट्स से इट इज़ पी एक्स कॉमा वाई, ओके। तो वो क्या है, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में खड़ा है, पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है, कहने का मतलब इसमें जो दोनों क्वाड्रेंट होंगे वो कैसे होंगे, प्लस प्लस, है ना, या फिर x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, ठीक है, इतना समझ आया। सेकेंड वाले में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, x तो नेगेटिव है बट y इज़ पॉजिटिव, तो x इज़ नेगेटिव y पॉजिटिव, दिस मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस और एंड प्लस। तो अगर कोई भी पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसकी उसके आगे x वाले के सामने माइनस का साइन होगा और y के सामने प्लस का, ठीक है, ऐसे आपको पहचानना है। तीसरे में देखो आपको ये भी नेगेटिव दिख रहा है, ये भी नेगेटिव दिख रहा है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और इस वाले में x इज़ पॉजिटिव y इज़ नेगेटिव, सो x वाले को पहले लिखते हैं और y वाले को लास्ट में, ठीक है। आपको इतना समझ आया, एक बार मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वाले में क्या होते हैं, दोनों प्लस प्लस, सेकंड वाले में क्या होता है, एक माइनस देन प्लस, सॉरी,
एंड थर्ड वाले में दोनों माइनस एंड फोर्थ वन इज प्लस माइनस. आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है. किसी पॉइंट की पोजिशन, वट इज़ द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया. नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर टू. क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20,15 फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, मैंने सेकेंड फॉर्मूला ही आपको बताया था. अगर किसी पॉइंट की वैल्यू उसने 0,0 दे दी तो उस पॉइंट की जो होती है डिस्टेंस क्या होती है. ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या बनता है. लेट्स से अगर ये पॉइंट P है तो P की वैल्यू क्या है, 20,15. एंड Q यहाँ पे क्या है, ओरिजिन का काम कर रहा है, तो 0,0. तो पी ओ फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वही वाला कोऑर्डिनेट जो हो उसका स्क्वायर कर दो, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर. सो x2 का स्क्वायर दैट इज़ 20 है ना, 20 ही है ना. हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 20 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 400 प्लस 225, सो विच इज़ इक्वल टू 526. तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज जस्ट 25 एंड ये यूनिट. तो हमें क्या पूछ रहा था यहाँ से, इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होगी. तो इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगी, 25 यूनिट्स. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5,0 एंड माइनस ऑफ 12,0. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की मुझे डिस्टेंस बतानी है. पहले वाले में देखो आपको दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, और इसमें क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. आपको कुछ आइडिया लगा, एक इसमें लाई करता है और एक में एक्स नेगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है. तो एक इसमें, एक फर्स्ट में है और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट. पूछ क्या रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है. तो लेट्स से इट इज़ पी. सो पी क्या है, 5,0 एंड क्यू इज़ माइनस ऑफ 12,0. ठीक है, तो मुझे पी क्यू बतानी है. फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा. सो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज माइनस ऑफ 12 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 0 है ना, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 17 का स्क्वायर प्लस 0 विच इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 17. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आंसर 17 यूनिट्स. ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 17 यूनिट्स. ओके, तो ये है इसका आंसर. चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 6,5 एंड बी इज माइनस 4,3. तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और नोट करा दे देती हूँ. ठीक है, ये नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. देखो पहला क्या है, अगर मेरे पास कोई एक्स और वाई एक्सिस हैं दो, ठीक है. अब मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो कहने का मतलब क्या है, उसने यहाँ से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है और यहाँ से वाई डिस्टेंस ट्रेवल करी तो यहाँ तक पहुँचा है. ठीक है, अगर वो पॉइंट मान लो कि वो एक्स एक्सिस पर ही रहता है, एक्स एक्सिस पर ही रहता है, कहने का मतलब उसने ओरिजिन से चलना शुरू किया और उसने सीधा एक्स एक्सिस तक चला है, वो वाई पे उसने ट्रेवल ही नहीं किया है. ठीक है, उसने वाई एक्सिस पे ट्रैवल ही नहीं किया है. ओके, तो जब उसने वाई एक्सिस पे ट्रैवल ही नहीं किया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, 6,0 है ना. दूसरा, अगर वो पॉइंट जस्ट मेरे वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करता है तो क्या हो जाएगा, उसने सिर्फ जीरो से चलना शुरू किया और उसने वाई तक मूव किया है, उसने एक्स एक्सिस पे मूव नहीं किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,y. ठीक है, सो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करना है तो आपको कैसे एज्यूम करना है, क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एज्यूम कैसे करना है. अगर उसने बोला क्या कह रहा है, लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो पहले क्या, एक्स एक्सिस पर अगर लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,0 एंड इफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस देन कोऑर्डिनेट विल बी 0,y. ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है. ओके चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो मुझे पॉइंट क्या मैं अज्यूम करूँगी, 0,y. ठीक है, तो लेट्स से इट इज़ पॉइंट P विच इज़ 0,y और पॉइंट A मुझे क्या दिया है, 6,5 है ना, एंड पॉइंट B इज़ -4,3. ठीक है,
ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब पूछ बोल क्या रहा है वो, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, कहने का मतलब वो जो पॉइंट पी है ना, वो दो उसकी डिस्टेंस पॉइंट ए से और पॉइंट बी से सेम है। कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई पॉइंट पी है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पी ए और पी बी की डिस्टेंस सेम है ना, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट पुट पी ए इज इक्वल टू पी बी और आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब फिर से मुझे डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा ना पी ए निकालने के लिए, डिस्टेंस फार्मूला, तो पी ए, तो पी ए क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी बी। सो पी बी की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर, मैंने स्क्वायर रूट स्क्वायर ओपन किया है, माइनस ऑफ 10 वाई विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6 वाई, ओके। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 25, देखो 16 प्लस 9 इज 25, तो ये वाली चीज़ और इसके साथ कैंसिल हो गई, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज 36 इज इक्वल टू माइनस 6 वाई प्लस 10 वाई। So this implies that 4y is equal to 36, this implies y is equal to 9, ठीक है। मुझे y की वैल्यू पता चल गई, अब मैंने कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम किया था, कोऑर्डिनेट इज p 0, y, दैट इज द पोजिशन ऑफ द गिवन पॉइंट p विल बी 0, y, दैट इज 0, 9, ठीक है। सो 0, 9, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0, 9 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या पूछे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अब आपको बताना है अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में यही नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली बात है आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने जैसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई एज्यूम करा, फिर आपके पास दो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे और आपके पास कंडीशन एक ही दी है, ऑब्वियसली बात है आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे और ये क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जिसमें देखो आपको हर एक क्वेश्चन में एक ना एक कॉन्सेप्ट मिलता जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको 7-8 कॉन्सेप्ट ही बताए थे सिर्फ, बट जब मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ तो हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आपको वो नोट करके रखना है, वो जब आपको एग्जाम देने जाना है जस्ट रिवाइज द नोट्स एंड यू कैन डू एवरीथिंग, ओके। तो देखो पहला वाला इसमें क्या है कि वो पॉइंट क्या एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो जैसे ही मैं जितने भी नोट्स लिख रही हूँ आपको एक कॉपी पे सारे नोट्स एक जगह शॉर्ट नोट की तरीके से लिख लेना है, ठीक है। सो दैट कि जब आपका एग्जाम हो तो 10-15 मिनट में आप रिवाइज कर लो और जस्ट आप चले जाओ एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट के क्या होने वाले हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है कहने का मतलब उसने ओरिजिन से चलना शुरू किया और उसने एक्स एक्सिस पे ही मूव किया है, वाई पे तो उसने ट्रैवल ही नहीं करी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा जीरो, ओके, एक्स कॉमा जीरो। तो पी पॉइंट को मैंने एक्स कॉमा जीरो लिया और सेम क्वेश्चन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी करना है, हमें सॉल्व करना है, मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। अगर फिर से ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कैलकुलेशन करना और कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताना, मैं चेक करूँगी, ठीक है। चलो तो ए के पॉइंट क्या दिए हुए हैं, 2, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -9 एंड पी इज एक्स कॉमा जीरो। सो हमें गिवन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। सबसे पहले तो हमें क्या है, कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए और कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्या था, पी के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, दूसरा कंसेप्ट क्या था, आपको पी ए इज इक्वल टू पी बी पुट करना था, ठीक है। जस्ट सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी ए, सो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स, सो एक्स माइनस टू, 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। सो प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी बी, सो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0, -9 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। सो दिस इम्प्लाइज, अब फिर से मुझे क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9, 9 जो इज 81, ओके। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो,
स्क्वायर ओपन करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता होगा ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस 25 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स प्लस 81, ठीक है। कुछ दिख रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 4 एंड 4 कैंसिल हो रहा है। अब देखो क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ पे 4x इधर नेगेटिव 4x है, मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा 8x विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 81 इधर है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस ऑफ 81 विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो गया, ये 81 प्लस 25 डिवाइड बाय 8, इसके कोऑर्डिनेट बताने 6, 7 माइनस 2 इज 5 विच इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, x का कोऑर्डिनेट आ गया तो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट क्या मैंने एज्यूम किया था माइनस ऑफ x कॉमा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 7 कॉमा 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ए ओ बी सी रेक्टेंगल यहाँ पे दिया हुआ है मुझे, तो रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होंगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, इन रेक्टेंगल ए ओ बी सी हुज थ्री वर्टाइसेस आर गिवन देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, ठीक है। मेरे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ओके। तो को क्या है रेक्टेंगल ए ओ बी सी, ए ओ बी एंड सी, ठीक है। तो सबके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 3 एंड ओ इज ओरिजिन ऑब्वियसली बात है 0, 0 एंड बी इज 5, 0, ओके। और पूछ क्या रहा है सी के कोऑर्डिनेट, तो मैंने ले लिया कि ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछ रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है। तो देखो इसके डायगोनल ये जो हैं रेक्टेंगल में, ये डायगोनल सेम ही होंगे ना, ए ए बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो सेम होते हैं मुझे पता है, बट यहाँ पे मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों की जो निकालूंगी डिस्टेंस जो आने वाली है वो इन दोनों की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, या फिर दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो सेम आने वाले होंगे, है ना। तो देखो कैसे निकलेगा, क्या पूछ रहा है, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल, है ना। तो मुझे क्या पूछ रहा है, ओसी की बात कर, नो, क्या पूछ कह रहा है, थ्री वर्टाइसिस आर गिवन देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, ओके। मतलब मेरे से क्या पूछ रहा है, ओसी पूछ रहा है, तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो देखो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकल सकते हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, पहला तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने लिया ए ओ इज इक्वल टू बी सी, ठीक है जी, इसके डायगोनल्स की क्या निकालना था मुझे, डायगोनल की लेंथ बतानी, ठीक है। तो डायगोनल में मेरे पास ए बी भी है, तो 0, 3 एंड 5, 0 दिया हुआ है, ठीक है मुझे। तो क्या है, ए इज 0, 3 एंड बी इज 5, 0, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों की लेंथ निकालनी है, दैट इज ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 + 9 विच इज 34, ठीक है। तो यहाँ से इसकी लेंथ क्या पता चल गई, 34 मुझे क्या था, वैसे इसकी x, y फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास इन दो के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, ठीक है, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टाइसिस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज, ठीक है। इस ट्राइंगल का मुझे पेरीमीटर पूछ रहा है, तो देखो ट्राइंगल क्या दिया हुआ है मेरे पास,
ए बी एंड सी. तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0.4 एंड बी इज 0.0 एंड सी इज 3.0. ठीक है, इतना पता है. मेरे पास पेरीमीटर पूछ रहा है, कहने का मतलब वो वैल्यू पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की. ठीक है, तो इन सब की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लूँगी, ए बी की लेंथ क्या है, बी सी की लेंथ क्या है और सी ए की लेंथ क्या है. ठीक है, तो ए बी निकालना है. तो ए बी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ज़ीरो ही रहेगा, प्लस 4-0 है ना, तो क्या हो जाएगा 4-0 का स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है ये 4 आएगा. और फिर क्या निकालना है मुझे, बी सी. तो बी सी भी निकालना है. देखो यहाँ पे उसने एक्स यूनिट पे ही चला हुआ है, तो कितने यूनिट चला है, 3 यूनिट चला है. ठीक है, तो अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3-0 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये तो 0 ही रहेगा ना, फिर ये 3 आ जाएगा. और सी ए, तो सी ए क्या आने वाला है, यहाँ से सी की वैल्यू क्या है, 3.0 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0.4. तो इसकी डिस्टेंस क्या निकलेगी, 0-3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4-0 का होल स्क्वायर दैट इज 16. ओके, तो 16 9 25 विच इज 5. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 + 3 + 5 विच इज 7 5 12. ओके, तो यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा, 12 यूनिट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3.6 एंड -3.4. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है. उसने बोला है कि अगर मैंने ले लिया इसका क्या है, पी एक्स कॉमा वाई, अगर ये पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, तो वो बोल रहे हैं पी ए इज इक्वल टू पी वी, दैट इज दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो मुझे क्या करना है, पी ए इज इक्वल टू पी वी सॉल्व करना है और मुझे एक्स और वाई में जो है रिलेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. पी ए इज इक्वल टू पी वी, ए के कोऑर्डिनेट क्या पता है मेरे पास, 3.6 एंड बी इज -3.4. ठीक है बच्चों, ये मुझे दो चीज़ पता चल गई, अब मुझे क्या करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी डालना है. तो पी ए, तो पी ए क्या हो जाएगा, 3-x का होल स्क्वायर प्लस 6-y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी दैट इज -3-x का होल स्क्वायर प्लस 4-y का स्क्वायर. ठीक है, तो देखो मैंने फिर से क्या कि एक बार देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 3-x का होल स्क्वायर प्लस 6-y -3-x प्लस 4-y. ओके, अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 9 + x² - 6x + 36 + y² - 12y विच इज इक्वल टू 9 + x² + 6x + 16 + y² - 8y. मैंने क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया और a प्लस बी का होल स्क्वायर. देखो y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 9 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं. तो देखो यहाँ से क्या है, -6 + 6, तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाए, यहाँ से देखो 36 - 12y, वाई को इधर लेके आएंगे तो +8y विच इज़ इक्वल टू 6x + 6x, इधर +16, तो इधर आएगा -16 हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ आया, मैंने x और y को एक साइड किया है. अब देखो -6x तो 0 हो जाएगा, 20 -4y विच इज़ इक्वल टू 12x. ठीक है, मैं सबको एक साइड लेके आ रही हूँ, तो मैं क्या लिख पाऊँगी यहाँ से, 12x + 4y + 20 = 0. दिस इम्प्लाइज दैट 3x + y - 4 5 जा, ओके, -5 = 0. तो रिलेशन क्या पता चला, 3x + y - 5 = 0. तो देखो कौन सा है, 3x + y - 5 = 0 है ना, ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो समझ आया, कुछ नहीं किया, पी ए इज इक्वल टू पी वी करना है, जो दो इक्वेशन आएंगे उनको इक्वेट करके सॉल्व कर दिया. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 7.-6 and 3.4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली. ओके, मुझे रेशियो भी दिया हुआ है और क्या पता चला है, इंटरनली. तो मुझे कौन सा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, पहला वाला जिसमें
प्लस का साइन दिया हुआ था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, x कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट क्या थे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला था, हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे m1 की वैल्यू क्या पता है, m1 रेशियो m2 इज़ 1 रेशियो 2। कहने का मतलब मेरे पास ऐसे दो कौन कौन से पॉइंट्स दिए, 7 कॉमा माइनस सिक्स और दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 कॉमा 4, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 एंड m2 इज़ 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है मेरे से, तो लेट्स से इट इज़ x कॉमा वाई, तो मुझे x और y की वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x2, सो m1 इज 1 हेयर, x2 इज 3, 7 कॉमा माइनस सिक्स, 3 कॉमा 4, ओके 1 कॉमा 2, ठीक है। सो फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1, सो m2 इज हेयर 2, x1 इज 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2, सो 1 इंटू 4 प्लस m2 y1 इज माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ओके सो इट इज x कॉमा वाई पी। सो क्या हो जाएगा, 3 7 टू ज़ 14, सो 3 एंड 14 इज 17 डिवाइड बाई 3 कॉमा 4 माइनस ऑफ 12 विच इज डिवाइड बाई 3, सो विच इज इक्वल टू 17 बाई 3 माइनस ऑफ 8 बाई 3, ओके। अच्छा इसमें क्या बताना है आपको कि जो पॉइंट आ गया उसने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे हैं, बट उसने पूछा है कि वो पॉइंट लाई कहाँ पे करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक्स तो पॉजिटिव आया है बट वाई नेगेटिव आया है। ऐसा कब पॉसिबल होता है, देखो ये वाला तो एक्स पॉजिटिव होता है और ये वाला वाई नेगेटिव होता है। कहने का मतलब ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, एक्स पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज थ्री वर्टिसेस आर गिवन। अच्छा मेरे पास एक कोई पैरेललोग्राम है, उसके तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, चौथा वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3 एंड बी इज 6, 7, सी इज 8, 3 और ये x, y, ठीक है। तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी लगानी है पैरेललोग्राम की, क्या होती है, इसके जो दो डायगनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट बाइसेक्ट जो करते हैं ना वो सेम पॉइंट पे करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये सेम होंगे और ये सेम होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो मैं पहले वाले डायगनल का मिड पॉइंट निकाल लूँगी। कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों डायगनल एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करते हैं वो पॉइंट सेम होता है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो निकाल लूँगी और फिर इन दोनों के जो मिड पॉइंट आएगा तो उसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, तो क्या लेट्स से इट इज़ पी, सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब यहाँ पर हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये याद होगा आई होप सबको, मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ए सी लेट्स से इट इज पी, सो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई 2 दैट इज 8, -2 डिवाइड बाई 2 कॉमा एक्स टू वाई 2 और यू कैन से वाई 3 प्लस वाई 1 दैट इज 3, 3 डिवाइड बाई 2, सो विच इज इक्वल टू 3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या पता चले, 3, 3। अब मुझे क्या करना है, 3, 3 जो मिड पॉइंट आया है इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा, यही बताना है, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए डी ए डी बी वो भी पी ही होगा ना, तो 3, 3 विच इज इक्वल टू, अब देखो 6 + x / 2 कॉमा 7 + y / 2
इन दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या करने, अच्छा अब देखो मेरे पास अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर ऐसे मेरे पास दिया हुआ है एक्स वन इज इक्वल टू वाई, एक्स वन वाई वन, ओके, ये हमेशा एक्स वन वाई वन इज नॉट इक्वल टू वाई वन एक्स वन, ठीक है। अगर तुम्हें एक्स वन वाई वन दिया, से 3.4 दिया है, इसको ऐसा नहीं कि इक्वल कर दिया 4.3 अपने मन से, ऐसा तो नहीं होगा। अगर इसने एक्स एक्सिस पे तीन डिस्टेंस चली है तो ऐसा थोड़े मतलब है कि उसने वाई पे भी तीन चला होगा, है ना। तो एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई वन कॉमा एक्स वन, और ये कब होता है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू के इक्वल कब होते हैं, इफ एंड ओनली इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू एंड वाई वन इज इक्वल टू वाई टू। कहने का मतलब ये दोनों ऐसे लिखा हुआ है तब इक्वल कब होते हैं, जब पहला वाला पहले के इक्वल हो और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल हो। तो यही वाला कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, ये दो पॉइंट इसके इक्वल है, तो कहने का मतलब ये वाला तीन इसके इक्वल होगा, ये वाला तीन इसके इक्वल होगा, है ना। तो देखो इसको और सॉल्व करना है तो क्या मिलेगा यहाँ से, 6 + x / 2 इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, है ना। 3 × 2 = 6 - 6 इज 0, और दूसरा क्या है 7 + y / 2 इज इक्वल टू 3, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 × 6 - 7 विच इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट क्या पता चले, 0, -1। कहने का मतलब मुझे पैरेललोग्राम का फोर्थ क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट पता चल गया, मतलब पोजीशन पता चल गई। तो क्या आया 0, -1, तो कौन सा है ये वाला, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, मैंने बोला था उसने कोई वेरिएबल आपको दे देगा, बोलेगा ये मिड पॉइंट है तो इसको सॉल्व करो। तो आपको करना क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, जस्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना, एक आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए ही वेरिएबल है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, देखो मिड पॉइंट के फॉर्मूले अगर पी एक्स कॉमा वाई है तो क्या होता था, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, वेयर दिस इज एक्स वन एंड वाई वन, दिस इज एक्स टू एंड वाई टू, एंड दिस इज पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये दिया होता था हमें, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पी एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, ए बाई थ्री कॉमा फोर, दिस इज ए, ए बाई थ्री कॉमा फोर, एक्स वन प्लस एक्स टू, तो -6 - 2 डिवाइड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, दैट इज 5 + 3, 5 + 3 डिवाइड बाई टू, सो दिस इम्प्लाइज ए बाई थ्री कॉमा फोर इज इक्वल टू 6 - 8, सो -8 / 2 एंड 8 / 2, ओके। तो यहाँ से क्या पता चला, -4, 4। मुझे वैल्यू किसकी बतानी थी, एक ही। तो मैंने बोला दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होते हैं, जब उसका पहला वाला पहले के इक्वल हो, दैट इज ए बाई थ्री इज इक्वल टू -4 एंड 4 इज इक्वल टू 4, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बाई थ्री को मैंने किसके इक्वेट किया है, -4, दैट इज ए इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो -12 कौन सा है, ये वाला आ गया। चलो अगला क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स सेंट्रोइड, ठीक है। तो आपको सेंट्रोइड बताना है इसका। तो सेंट्रोइड क्या होता था, x1 + x2 + x3 / 2, y1 + y2 + y3 / 2, वेर x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीन हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक कोई ट्रायंगल लेट्स से ए बी सी है, ए बी एंड सी, ठीक है। और ये बोल क्या रहा है, सबके मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट लेट्स से ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी, और इसका क्या है, ई, और इसका क्या है, एफ, ठीक है। इन सब के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 1, 1, 1, 2, 3, -3 एंड थर्ड इज 3, 4। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है उसके तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं तो आप उसका सेंट्रोइड बहुत आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इसने क्या किया है कि इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ना देके उसने अपनी साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, वो मेथड बहुत लेंदी है, और दूसरा वाला बहुत आसान है। बट दूसरे वाले में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, वो क्या है,
देखो मैं पहला वाला कराती हूँ, आप क्या करो, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मैंने अगर ए को एक्स वन और वाई वन सपोज किया और इसको क्या किया एक्स टू कॉमा वाई टू एंड दिस इज एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ठीक है, ये सपोज किए। अब मैं क्या करूँगी, एक्स इस पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगी, दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन ये बनी। सिमिलरली इस पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगी, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे लगाऊंगी यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, तीन इक्वेशन मिलेंगी, तीनों को मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे वहाँ से सेंट्रोइड मिल जाएगा, मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री, आपको इतना करना होगा, तीन इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, इतना लेंदी पड़ेगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, एकदम ठीक प्रोसेस है, आंसर आ जाएगा, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि अगर आप इतना करेंगे तो बहुत लेंदी होगा। तो इसका नोट क्या है मेथड टू में, अगर आप चाहे इस वाले ट्राइंगल के सेंट्रॉइड निकालो, चाहे उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने में, मिड पॉइंट की बात कर रही हूँ, कुछ और नहीं बोला है मैंने, ठीक है, तो अगर मैं मिड पॉइंट के ले लूँ ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट, उनका जो सेंट्रॉइड होगा वो सेम आता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ से अब तो बहुत आसान हो गया आपको, फिर से ये छोटा सा मुझे ट्रायंगल मिल गया, इसके सेंट्रोइड निकालना है, तो जस्ट क्या करो इन तीनों को ऐड करके बता दो, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज बिगर ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, वो कैसे बना है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो क्या हो जाएगा मिड ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो बस सॉल्व कर दो, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री दैट इज वन प्लस थ्री प्लस टू, वन प्लस थ्री प्लस टू डिवाइड बाई थ्री कॉमा वन प्लस फोर माइनस थ्री, वन प्लस फोर माइनस थ्री डिवाइड बाई थ्री, बस इसको सॉल्व कर लो आप, तो थ्री टू फाइव वन सिक्स दैट इज थ्री टू ज़ा सिक्स कॉमा फोर वन इज फाइव, सो फाइव माइनस थ्री इज टू, टू बाई थ्री, दैट इज सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स के आगे टू कॉमा टू बाई थ्री, तो ये वाला ही आप यूज करना एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए पॉइंट पी डिवाइड्स द टू पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो, अच्छा इस बार हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है और मुझे क्या पूछ रहे हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो देखो कैसे करते हैं। पहला वाला मुझे ए की वैल्यू क्या दी हुई है, फाइव कॉमा माइनस टू, और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं नाइन कॉमा सिक्स, नाइन कॉमा सिक्स, और रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, थ्री रेशियो वन, ठीक है, एम वन और एम टू की वैल्यू दी है और वो पॉइंट बताना है जो इसको इस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एम वन की वैल्यू हमें दी है एम वन रेशियो एम टू इज थ्री रेशियो वन, तो एम वन प्लस एम टू की वैल्यू क्या आने वाली है, फोर, दैट इज हम फोर से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा, फिर से मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ आपके लिए, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम, ठीक है, ये आ गया समझ आपको। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो पी एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट निकालने एम वन एक्स टू, सो एम वन इज थ्री हेयर, एक्स टू इज माइनस ऑफ नाइन, सो थ्री इंटू माइनस ऑफ नाइन प्लस एम टू, सो एम टू इज वन हेयर एंड एक्स वन, सो एक्स वन इज फाइव, क्या है फाइव कॉमा माइनस टू एंड नाइन, इट इज माइनस नाइन नहीं है, जस्ट नाइन कॉमा सिक्स, सॉरी फॉर दिस, सो इट इज नाइन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू दैट इज फोर कॉमा एम वन वाई टू, सो एम वन इज थ्री है, वाई टू इज सिक्स प्लस एम टू इज वन एंड वाई वन इज माइनस ऑफ टू दैट इज फाइव कॉमा माइनस टू, ओके एम वन प्लस एम टू इज फोर, इतना समझ आया, आपको सॉल्व करना है और बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव डिवाइड बाई फोर कॉमा एटीन माइनस ऑफ टू डिवाइड बाई फोर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेवन फाइव इज ट्वेल्व, टू वन इज थ्री डिवाइड बाई फोर कॉमा माइनस ऑफ सिक्सटीन डिवाइड बाई फोर दैट इज एट कॉमा माइनस फोर, आगे कोऑर्डिनेट्स पी के एट कॉमा माइनस फोर, ओह माइनस फोर क्यों आ रहा है यहाँ पे, हाँ प्लस होगा ना, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
चलो अगर अब मैं बता रही हूँ कि सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, मैं चेक करूँगी ठीक है आपके आंसर, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं है मुझे सारे क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ, बट अगर कैलकुलेशन ही करनी है तो टाइम क्यों वेस्ट करना है यहाँ पे आपको, ठीक है आपको भी नहीं वेस्ट करना है, आपको जस्ट सॉल्व करना है, अगर सेम क्वेश्चन हैं देन आई कैन लीव ओके। चलो इफ़ टू वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस एंड सेंट्रॉइड इज दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और मुझे उसके तीसरे वर्टाइसिस जो कि अननोन है उसके मुझे पोजिशन बतानी है ठीक है। तो देखो सेंट्रॉइड का क्या होता है, हमें पता है जी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई टू। तो जी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या पता है सेंट्रॉइड के, जीरो कॉमा माइनस थ्री ओके, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री तो क्या हो जाएगा, एक्स वन इज हाँ, तो मान लो कि C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x कॉमा वाई ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस वन प्लस फाइव, माइनस वन प्लस फाइव एंड x थ्री के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x डिवाइड बाई थ्री कॉमा, सो वाई वन इज यहाँ पे फोर प्लस टू प्लस वाई ओके, फोर प्लस टू प्लस वाई डिवाइड बाई फोर, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था दो कोऑर्डिनेट कब सेम होते हैं, जब उनका पहला वाला पहले के सेम हो दूसरा वाला दूसरे के सेम हो ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फोर प्लस एक्स डिवाइड बाई थ्री कॉमा सिक्स प्लस वाई डिवाइड बाई फोर नहीं होगा यहाँ पे, मैंने क्या किया ये थ्री होगा ना ओके ठीक है थ्री, तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज जीरो इज इक्वल टू पहला वाला पहले के इक्वल हो जाएगा, दैट इज जीरो इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स डिवाइड बाई थ्री, जीरो इंटू थ्री जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आ जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस सॉरी तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर। सिमिलरली वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स प्लस वाई डिवाइड बाई थ्री है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ नाइन माइनस ऑफ सिक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ फिफ्टीन, सो x इज माइनस फोर एंड y इज माइनस फिफ्टीन, तो यहाँ से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 ओके, सो 15 क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3.2 एंड बी इज -2.1 एंड हु सेंट्रॉइड इज दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, सेम है ना, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ज़रूर बताएंगे और मैं आपको ज़रूर चेक करूँगी ठीक है, क्योंकि सेम करने वाला है आपका ही टाइम वेस्ट होगा फालतू का देख के ओके। तो सेम जैसे भी मैंने किया था जी इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, जी के कोऑर्डिनेट क्या है 5.3.1/3 विच इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, आपको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो इन विच द पॉइंट पी 1.2 डिवाइड्स द जॉइन द पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी इज ओके, इस बार मुझे रेशियो बताना है, ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें वो इसने रेशियो की बात करी है और उसने मुझे तीनों पॉइंट्स की पोजीशन दी हुई है ठीक है। तो ए की पोजीशन क्या है -2.1 एंड बी इज हियर 7.4 ओके एंड हियर पॉइंट पी इज 1.2, मुझे रेशियो बताना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अगर आपको उसने रेशियो पूछा होता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको के रेशियो वन में अज्यूम कर लेते हैं, फिर जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाता है ठीक है। तो यहाँ पे एम वन की वैल्यू क्या हो जाती है के एंड एम टू इज वन हीयर ओके, अब बस सॉल्व कर दो तो पी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा यहाँ से 1.2 ओके विच इज इक्वल टू एम वन, सो एम वन इज के हियर एम वन एक्स टू दैट इज एक बार मैं मैच कर लूँ -2.1 एंड 7.4 एंड पी इज 1.2 ओके ठीक है। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, जस्ट आ जाएगा आपका आंसर, सो एम वन एक्स टू प्लस एम टू इज वन, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन इज -2
divide by m1 plus m2, that is k plus 1. M1 y2 is 4 plus m2 y1 divide by, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 2 इज इक्वल टू 7 के माइनस 2 डिवाइड बाय के प्लस 1 कॉमा 4 के प्लस 1 डिवाइड बाय के प्लस 1। ठीक है, मुझसे के की वैल्यू पूछ रहा था, वो के मतलब के रेशियो 1 बताना है मुझे, तो मैं इक्वेट कर रही हूँ। तो देखो कैसे इक्वेट करेंगे, तो 7 के माइनस 2 डिवाइड बाय के प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। सो 7k माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 6k इज इक्वल टू 3, सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3 बाय 6 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2। ओके, सो 1 बाय 2 यहाँ से पता चला। अब मुझे क्या बताया था मैंने, k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो k रेशियो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रेशियो 2, है ना। तो आपको k रेशियो 1 में अज्यूम करना है और सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वेयर इज 1 रेशियो 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टू वर्टाइसिस ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस दिस द सेंट्रॉइड इज गिवन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड पॉइंट। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी छोड़ा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, कमेंट में बताना, मैं आपके चेक करूंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 18, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द जॉइन दिस एंड दिस इन द रेशियो। सेम क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 9, 6 और यहाँ पे पी क्या है, 3 रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो पी के कोऑर्डिनेट बताने। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, अब की बार आएगा तो आप सॉल्व करना। ठीक है, चलो, सो पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स टू, सो एम वन इज 3 हियर, एक्स टू इज 9, एक बार कोऑर्डिनेट मैच कर लूँ, 5, -2, 9, 6, 3 रेशियो 1, ओके, प्लस एम टू एक्स वन, सो एक्स वन इज 5 हेयर, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन इज -2 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 27 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 कॉमा 18 -2 डिवाइड बाई 4, 8, 4। ठीक है, ये आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19, टू पॉइंट्स ए एंड बी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी इज दिस एंड दिस, देन द वैल्यू। अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, जो जो बोल रहा है आपको कर देना है। तो देखो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या दिया है, -1, 1, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, और एक्स वन वाई वन, एक्स वन ये है और ये वाई वन है और ये है एक्स टू एंड ये है वाई टू। अब सॉल्व करके मुझे इसको इसके इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 20, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो ए बी एंड सी, आपको ये कॉन्सेप्ट्स ही याद करने हैं और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बोले हैं, 3, 5, नो, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी, तो ए बी का मिड पॉइंट है 3, 5, लेट्स से इट इज डी, एंड उसका कोऑर्डिनेट है -3, 3, लेट्स से इट इज एफ, -3, -3। ठीक है, तो मुझे डी एफ तो डिस्टेंस मैं निकाल लूँगी, पूछ क्या रहा है मेरे से, देन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी, मतलब उसने जो दो साइड यूज़ की हैं जिनका मिड पॉइंट लिया है, तीसरी वाली साइड का उसने लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, आप सोचो कैसे करेंगे। वैसे तो आप बहुत मतलब इनके कोऑर्डिनेट निकाल के सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी होगा, बट आप शॉर्ट में बताइए मुझे आप कैसे करेंगे कि बी सी, इसको यूज करके बी सी की वैल्यू। देखो मैं बताती हूँ, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है ना, मिड पॉइंट थ्योरम,
क्या कहती थी, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है उसकी मैं दो साइड्स लेती हूँ, उन दोनों साइड्स की अगर मिड पॉइंट लूँ और उसको ज्वाइन करती हूँ तो दो प्रॉपर्टीज़ मिलती थी मुझे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी, डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी, मतलब ये वाला साइड जो जिसको ज्वाइन करेंगे हम वो वाला थर्ड वाली साइड्स के पैरेलल होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, कहने का मतलब ये वाली साइड इसके आधी होती थी, या फिर बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एफ। तो मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। तो हमें बी सी डी एफ तो पता हुआ है, मैं क्या करूँगी, डी सी की लेंथ निकाल लूँगी फिर ट्वाइस कर दूँगी तो मुझे क्या पता चल जाएगा, बी सी, ठीक है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, डी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हमें चाहिए क्या, बी सी, सो बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एफ। तो डी एफ कैसे निकलेगा, देखो डी एफ दैट इज डी एफ निकालना है तो माइनस थ्री दैट इज माइनस ऑफ सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दैट इज माइनस थ्री माइनस फाइव दैट इज माइनस एट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू इंटू थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 100, सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 दैट इज विच इज इक्वल टू 20, सो बी सी की क्या आया आंसर, 20 यूनिट आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 21, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये भी बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इसमें जी के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री, और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री की वैल्यू हमें ये दी हुई है, जस्ट पुट करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 22, ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद वर्टाइसिस दिस एंड दिस, इफ ए डी इज वन ऑफ इट्स मीडियन देन द लेंथ ऑफ दिस मीडियन। देखो मैंने मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुकी हूँ, मुझे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए डी इज़ द मीडियन, और मीडियन क्या करता है, इसको इसमें डिवाइड करता है हाफ ऑफ में, तो उसने ए डी की लेंथ पूछी है। तो देखो मुझे ए दिया हुआ है कितना, 7, -3 एंड बी इज 3, ये क्या है, 3, -1 है, क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, अगर ये -1 ही है शायद, यहाँ पे क्लियर नहीं आया है, एक बार मैं चेक कर लेंगे आंसर आएगा जब, ठीक है। तो 3, -7 एंड 3, -1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 5, 3, ठीक है। मैंने अभी बताया था मीडियन क्या करता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो भी इक्वल पार्ट्स में। तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट क्या पता चलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, सो डी एक्स कॉमा वाई, लेट्स से इट इज कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई, सो इसके क्या हो जाएंगे, 5 + 3 डिवाइड बाई 2, 3 - 1 डिवाइड बाई 2, सो इसके कोऑर्डिनेट क्या पता चले, 4, 2 दैट इज 1, सो इसके कोऑर्डिनेट क्या पता चले, 4, 1। अब मुझे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ मीडियन एडी, तो मुझे डी का कोऑर्डिनेट भी पता है, ए का कोऑर्डिनेट भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। सो ए डी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए डी दैट इज 7 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 - 4 इज 3, 3 - 3 = 9 प्लस 16 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज जस्ट 5 यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 5 यूनिट, मीडियन पता चल गया, कंसेप्ट यही था कि इसको दो में डिवाइड करता है, तो डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फिर इसके आंसर निकाल दो। चलो 23, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ ए सर्कल हू सेंटर इज दिस एंड दिस, क्या पूछ रहा है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज दिस, ओके। अब यहाँ पे भी आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, डायामीटर क्या होता है, देखो डायामीटर जो होता है वो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, ए एंड बी। तो कह रहा है मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट बताओ और y के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 1, 4, और उसने मुझे सेंटर दिया है, सेंटर की वैल्यू क्या है, 2, -3। अब आपको एक प्रॉपर्टी तो पता ही होनी चाहिए, डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस से मिलके बना होता है, कहने का मतलब जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा, वो रेडियस का काम करेंगे, कहने का मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी,
ठीक है, ये होगा ना। और मुझे पूछ क्या रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताने हैं। तो जब मैंने बोला कि ये दोनों पॉइंट सेम है तो आप सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो ना, सेक्शन फार्मूला। और उसके मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं ना ए बी पे। ए बी का मिड पॉइंट ही तो होगा सेंटर, मतलब डायामीटर के मिड पॉइंट पे ही तो सेंटर लाई करता है। तो मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे। तो देखो मिड पॉइंट का काम कर रहा है यहाँ पे सेंटर, है ना। ओ जस्ट वे, तो देखो सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -3 विच इज इक्वल टू x+1/2 y+4/2। ठीक है, तो इक्वेट कर दो इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 = x+1/2, दिस इम्प्लाइज x = 4 - 1 = 3 एंड -3 = y+4/2। ये तो आप कर ही लेंगे ना, कंसेप्ट बस इतना था कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर के मिड पॉइंट पे लाई करता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो या सेक्शन फॉर्मूला जो होता है मिड पॉइंट वाला वो अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सो y = -6 - 4 = -10। सो 3, -10 विल बी आंसर, 3, -10। ठीक है, ऑप्शन सी। 24. The points this and this are the vertices of a triangle. Then find the area of triangle. मैंने आपको बताया था area of triangle का formula क्या होता है, तो ये पहला question है, मैं कर रही हूँ, अगर same होगा तो आप try करिएगा, okay? चलो, so area of triangle ABC is equal to half of modulus of x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ओके, वेयर x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मानो कि x1 y1, तो x1 y1 इज a, है, तो मैं लिख ले रही हूँ एक बार, थोड़ा आसान होगा। x1 y1 इज a, x2 y2 इज, आप भी सॉल्व करिए मेरे साथ साथ, ठीक है, और आंसर मैच करते हैं दोनों। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, -a, -a एंड x3 y3 की वैल्यू क्या है, x3 y3। सो x3 y3 की वैल्यू -√3a - √3a। अब आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है जस्ट। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो x1 इज a हियर, y2 - y3, सो y2 इज -a, -y3, सो क्या हो जाएगा, √3a प्लस x2, सो x2 इज -a, y3 इज -√3a, -y1, सो y1 इज a प्लस x3 की वैल्यू क्या है, -√3a, y1 - y2, सो y1 इज a एंड y2 इज -a, तो क्या हो जाएगा, a -a दैट इज +a। ठीक है, y1 - y2, ओके। अब आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, सो 1/2, सो -a² - √3a² + √3a² प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, +a² x2 इज माइनस ऑफ a, ओके। यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, और क्या आ रहा है, फिर -√3a² - √3a² एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं। सो x1 इज a हियर, y2 - y3, सो y2 इज -a
plus root 3a plus x2. So x2 is minus of a, y3 minus y1. So y3 is minus of root 3a minus of y1, okay, plus x3. So x3 is minus of root 3a, y1 minus y2. So minus a plus a, okay, ठीक है. So minus of a square, x1 is a here, right? So plus of root 3a square. यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ, नो इट शुड बी प्लस ऑफ रूट थ्री ए स्क्वायर, प्लस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस ऑफ रूट थ्री ए स्क्वायर. तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये ना एक्चुअली मिस्टेक क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे प्लस है, मैंने इसको माइनस ले लिया, इस वजह से सब कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, तो दिस विल बी माइनस, वाई थ्री की वैल्यू जो है माइनस है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू इज माइनस ए, दिस इज प्लस, ओके. तो इसकी वजह से यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी माइनस है, और कहीं पे वाई थ्री यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन बाई टू, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये चार हो जाएंगे ना, फोर रूट थ्री ए स्क्वायर माइनस ऑफ, ये मॉड था, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, तो मॉड लगाए तो यानी पॉजिटिव में आएगा आंसर, दैट इज़ टू रूट थ्री ए स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर. सो टू रूट थ्री ए स्क्वायर है कहीं पे ये, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला था, बहुत ध्यान से आप वैल्यू पुट करना, ठीक है, माइनस प्लस के चक्कर में पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है. तो बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करना. नाउ 25 क्या, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज टेन स्क्वायर यूनिट्स, ओके. तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी. तो मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पी एक्स कॉमा वाई वो पूछ रहा है, और हमें दो चीज़ें क्या दी हुई हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी, उसमें A की वैल्यू मुझे, A के कोऑर्डिनेट्स क्या पता है, 3.4 एंड B इज 5.-2, ओके. सो मैं पी ए इज इक्वल टू पी बी पहले सॉल्व कर लेती हूँ, और दूसरा क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, दूसरे पार्ट में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10, ठीक है. ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ओके. चलो, सो पी ए इज इक्वल टू पी बी, मैं स्क्वायर रूट नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग करनी होती है दोनों साइड, सो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है. तो देखो, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर, ओके. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1, दैट इज माइनस टू माइनस टू इज प्लस ऑफ टू. तो यहाँ से देखो, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, आगे पेज है क्या, यस. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा, इसको ओपन करो. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 2x है ना, 2 इंटू 5 इंटू एक्स दैट इज 10x. मैं जस्ट वो ओपन कर रही हूँ, फिर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25, ओके, 16 एंड 9 इज 25, ये कैंसिल हो गया. आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगी, ठीक है. तो देखो, यहाँ से क्या पता चल रहा है, माइनस ऑफ 6x प्लस 10x माइनस ऑफ 4y, और इधर आएगा तो माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है. यहाँ से इतना पता चला, मैंने सबको एक साइड कर लिया है, विच इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 8y इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. मैंने क्या किया है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया है, तो पहली इक्वेशन ये मिली, और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 10, ओके. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10, वेयर
coordinate of P, that is x1, y1. So coordinate of P is, अच्छा मुझे P तो निकालना ही था ना, तो इसको x, y मैंने ले लिया. और A के coordinates क्या दिए हुए थे, A is 3, 4, 5, -2, ओके 3, 4 एंड B is 5, -2, ठीक है. सो एरिया निकालने वाले हैं हम, तो एरिया इज 10 विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ x1, ठीक है. तो मैंने x1 को क्या लिया, x, y1, x1, सो y2 माइनस y3, सो y2 इज 4 माइनस y3 प्लस x2, सो x2 का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, x2, फिर क्या आ जाएगा, y3 माइनस y1, सो y3 इज -2 माइनस y1 प्लस x3 इज 5, y1 माइनस y2 दैट इज y-4, ओके. सो दिस इम्प्लाइज 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 6 माइनस 3y प्लस 5y माइनस 20, ओके. सो दिस इम्प्लाइज 40 इज इक्वल टू, मैंने 20 को इस साइड लेके आई हूँ, ओके, प्लस 6 विल बी देयर, प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6x प्लस 2y, ओके. इसको देखो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 46 इज इक्वल टू 6x प्लस 2y. सो दो से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 विच इज 3x प्लस y. तो यहाँ से इक्वेशन 2 पता चले. अब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाली हूँ. तो पहली वाली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. एंड सेकेंड इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 23, 3x प्लस y इज इक्वल टू 23. अब मैं क्या करूँ, सेकेंड वाली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 2 ज़ा 6, हेयर 3, ठीक है. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल कम हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा. तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हुआ तो 6 1 7 y विच इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20/7, y इज इक्वल टू 20/7, इट इज x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 1, ओके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. एंड सेकेंड इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 23, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, सो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, सो विच इज 20, ओके. सो x क्या हो जाएगा यहाँ से, सो x इज इक्वल माइनस 2 इंटू 20/7 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2 x y2 माइनस y3, सो y2 इज 4 प्लस 2 विच इज 6 प्लस x2 इज 3 x2, सो y3 माइनस y1 प्लस x3, सो y1 माइनस y2, ओके, ठीक है. सो 20 इज इक्वल टू 6x माइनस 6 माइनस 3y प्लस 5y माइनस 20, ओके. नाउ इट इज 40 प्लस 6, 6x प्लस 2y, ओके. ओके 1 + 40/7 विच इज इक्वल टू 47/2. तो यहाँ से x और y की वैल्यू कुछ इस टाइप से आ रही है. वो भी इनमें मैच नहीं कर रहा है कहीं पे, है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, है ना. इसका आंसर ये आ रहा है. मैंने एक जगह पे मिस्टेक भी की है, वैसे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 y होना चाहिए, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे 8 y हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6x + 10x
फिर माइनस ऑफ 8 माइनस 4 दैट इज़ यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल क्या मिली इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अब देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो मैंने इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 23, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल हो गया। सो माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 26, है ना। 3x प्लस y इज इक्वल टू 23, सो x माइनस 3y दैट इज 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3, सो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ 23, ओके। तो ये 20 मिलेगा ना, सो दिस इम्प्लाइज इट y इज इक्वल टू 2, सो y की वैल्यू 2 आ गई और मुझे x की वैल्यू चाहिए, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 7, तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं 7, 2। अब चेक करते हैं क्या ये है क्या कहीं पे 7, 2, ओके 7, 2 कहीं पे नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, नन ऑफ दिस। चलो 26 ये है, द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, देन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब मैंने कब बोला था पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो ट्रायंगल का एरिया फॉर्म करें और वो जीरो हो जाए, ऑब्वियसली ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं क्योंकि वो कोलिनियर है, ठीक है। तो इनका एरिया क्या आने वाला है इन तीन पॉइंट्स से, जीरो। सो देखो अगर मैंने इसको ए ले लिया, ए के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई एंड बी इज हेयर 1, 2 एंड सी इज 7, 0, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ एक्स वन इज एक्स, वाई टू माइनस वाई थ्री, सो 2 - 0 प्लस एक्स टू, वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री, वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना रिलेशन, देखो कौन सा आंसर है, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी, ठीक है। क्या करना था आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो करना था, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाता 26, 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स इज जीरो। अब क्या मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसमें एक वेरिएबल दे दिया है तो उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एरिया इज जीरो एंड एक्स वन, पहले के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं मुझे 2, 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4, k एंड सी इज 6, -3, ठीक है। आपको ये x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। इसमें आपको वैल्यू इन सब की डालनी है, इनमें k भी इन्वॉल्व होगा, एक इक्वेशन बनेगी, आप उसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू मुझे बताएंगे, ठीक है, जो भी आएगी वो आप बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूँगी क्योंकि जस्ट कैलकुलेशन है और इसका आंसर जीरो आएगा, ठीक है। आप मैच करना और बताना किस किस का आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस एंड दिस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, मैं एक सवाल आपको करा चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फॉर्मूला मैंने अभी लिखा दिया जो भी होता है, तो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप मुझे आंसर बताना, इसका आंसर ये आ रहा था, ठीक है, आप मुझे बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 29 इज, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन फिर से ही है मेरे पास, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0, आप करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका 29 आप बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर 6 है, आप सॉल्व करेंगे कोलिनियर दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, तो मैं एक बार पूरा लिख भी देती हूँ आपके लिए। सो x1 x1 इज 2,
y2 minus y3 that is k minus 7 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 which is equal to 0 put करना है आपको. इसको जब आप solve करेंगे that is 2 times k minus 7 plus 4 20. आप इसको जीरो पुट करेंगे तो आपको यहाँ से के की वैल्यू 6 मिल जाएगी. ठीक है, आप सॉल्व करके बताना. चलो 29, 30 पे क्या है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विद वर्टाइसिस दिस एंड दिस. ओके. देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, तो जैसे मेरे पास ए बी सी डी दिया हुआ है ऐसे कोई ए बी सी एंड डी, तो मुझे इसका अगर एरिया निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका एक डायमीटर बना लो. कहने का मतलब जो डायगोनल है वो ए सी को ज्वाइन कर दो. अब यहाँ से आपको दो ट्राइंगल मिलेंगे, पहला ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल ए डी एंड सी, ए डी सी. अब जब आप इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो लेट्स से इट इज़ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, है ना, ए डी सी. आपको ये करना है तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, मुझे ए के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे. तो ए का क्या है 1.1 एंड बी इज 7.-3, सी इज 12.2 एंड फोर्थ इज 7.21. तो आपको पहला ये ट्रायंगल लेना है, फिर ये ट्रायंगल लेना है, दोनों का एरिया निकालना है. मतलब आपको ट्रायंगल वाला फॉर्मूला दो बार यूज़ करके इन दोनों का एरिया निकालना है, फिर आपको दोनों का सम कर देना है. तो यहाँ से जो आंसर आने वाला है आपके पास वो आएगा 132 स्क्वायर मीटर्स. ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपका आ गया है कि नहीं. ठीक है, चलो 31, द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर. ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन है जैसे मैं पीछे करा चुकी हूँ, सॉरी. ठीक है, सो कोलिनियर की बात कर रहा है, फिर से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो पुट करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो पुट करो और के की वैल्यू आपको मिल जाएगी. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है. ठीक है, तो आप सॉल्व करना इसका आंसर और मुझे बताना क्या आया है. चलो 32, द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 2.-1, एफ इज 0.-1 रिस्पेक्टिवली, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए इज दिस, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, तो देखो मुझे क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ए बी सी था. ठीक है, ए बी एंड ए सी का मिड पॉइंट है 2.-1, 2.-1 इट इज ई, एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 0.-1. ठीक है, ये दोनों पता चले. अब क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 1.-4, 1.-4. ओके, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूछ रहा है मेरे से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, देखो आपको ये दोनों पता थे, ये इसका मिड पॉइंट था, तो मैं यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएंगे, सिमिलरली यहाँ से मुझे सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी. ठीक है, तो देखो इस पॉइंट के एक पहला मेथड क्या है, या तो मैं इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालूँ फिर फाइंड करूँ. दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि ये वाला इसका ट्वाइस होता था, है ना, ई एफ इज मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बोलते थे, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया आएगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा. तो यानी इसका एरिया निकाल के आप ट्वाइस कर दो तो इसका आंसर मुझे पता चल जाएगा. सेकेंड क्या है, या तो मैं इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ फिर ए बी सी का मुझे एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ. तो अगर B के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड C इज x2, y2. ठीक है, ये दोनों मुझे पता चले यहाँ से. अब मुझे x1 और y1 निकालना है, तो 2.-1 इज इक्वल टू x1+1 डिवाइड बाई 2 एंड y1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2. सो दिस इम्प्लाइज दैट
2 is equal to x1 plus 1 divided by 2. So this implies that x1 is equal to 3. And minus 1 is equal to y1 minus 4 divided by 2. So this implies y1 is equal to minus 2 plus 4, which is equal to 2. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या पता चले, 3, 2. सिमिलरली मुझे इसके भी निकालने हैं, तो इसके निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0, -1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमा y2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2. ठीक है, सो यहाँ से 0 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू -1. ठीक है, कुछ नहीं है, बस सॉल्व कर रही हूँ दोनों को इक्वेट करके. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, y2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1. सो दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4, दैट इज -2. सो y2 इज 2. सो यहाँ से क्या पता चला, इट शुड बी x2 -1, 2. तो मुझे B और C के कोऑर्डिनेट पता चल गए. जब मुझे A पता है, B पता है, C है, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूँगी आराम से. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3. अब तो आपको याद हो गए होंगे सारे फॉर्मूलेस. सो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ठीक है, तो यहाँ से हमें a जो है x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स क्या पता है, a की वैल्यू 1, -4. a के कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b, दैट इज x2, y2 विच इज इक्वल टू 3, 2 एंड c, दैट इज x3, y3 विच इज इक्वल टू -1, 2. तो आप इसको सॉल्व करिए. ठीक है, हाँ, तो आप क्या करना, मैंने a और b c सबके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए, आपको क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर बताना है. ठीक है, तो देखो इसका 32 का आंसर क्या आ रहा है, जो भी आए. ठीक है, आप सॉल्व करके बताइए. ठीक है, चलो 33, मतलब मुझे क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बचा है, आपको कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए हैं a b c के, आप पुट करो आंसर आ जाएगा. ठीक है, शायद 12 यूनिट्स आ रहा है, एक बार चेक करना आप और बताना मुझे. 33, नो, सिर्फ इतने ही है. ठीक है, तो फिर से आपको जस्ट कैलकुलेशन ही करनी है सब में. तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे. आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं, शॉर्ट नोट पहले से बना लीजिए, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, जब आपका एग्जाम हो तो आप रिवाइज कर लो एक बार, है ना. सो सारे हो जाएंगे. अब जो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, कहने का मतलब मैंने कैलकुलेशन थी इसलिए छोड़ा है, तो आप सारे क्वेश्चंस करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा. ठीक है, हम सारे चेक करेंगे. सो आई होप आपको समझ आया होगा. ये सारे आपके सीएचएस एग्जाम में कोलिनियर ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. थैंक यू सो मच.